नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आर्य। दोस्तों, कल खांसी वाले कुत्ते की मैंने वीडियो देखी। उस वीडियो में मुझे उसके तीन सवाल समझ में आए। उसने तीन सवाल किए मुख्यतः जो मुझे समझ में आए। पहला सवाल, उसने कहा कि बड़े बड़े लोग अंबानी अंडानी ये लाइन में क्यों नहीं लगे एटीएम बैंकों की। दूसरा सवाल, इसने कहा कि मोदी सरकार ने पुराने नोट बंद क्यों किए। तीसरा सवाल, इसने कहा कि 2000 के नोट ही क्यों चलाए, कैसे करप्शन रुक जाएगा। पहला सवाल इसका यह था कि अंबानी अडानी ये जितने भी है लाइन में क्यों नहीं लगे। अरे भैया, मुझे एक बात बता, तू लाइन में लगा? तू बड़ा आदमी है, छोटा आदमी है, तुझे तो लगना चाहिए लाइन में। तुझे पैसे की जरूरत नहीं है? या तेरा कोई आप पार्टी का नेता लगा लाइन में? उसको भी तो लगना चाहिए ना भाई, उसको भी तो पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। बहरहाल, इससे आगे बढ़ते हैं। भैया देखो, 9 तारीख से पहले जब नोट बंद नहीं हुए थे तो मुझे एक तस्वीर दिखा दे अंबानी अडानी टाटा बिड़ला की कि वो बैंकों की लाइन में खड़े हुए हों 9 तारीख से पहले जब बंद नहीं थे नोट। उनकी एक तस्वीर दिखा दे कि वो कब जाके लाइन में खड़े हों पैसे निकालते हुए दिखाते हों। इसलिए मासूम जनता को बरगलाना बंद कर अपनी धूर्तपूर्ण बातों के अंदर। तेरी इन धूर्तपूर्ण कुटिल बातों में तेरे ढक्कन ही आएंगे तेरे बातों में। वो तेरे आप ये जो है ना, तेरे आप ये जो वो ढक्कन, वही तेरे बातों में आएंगे। हम जैसा राष्ट्रवादी तेरे बातों में नहीं आएगा। अब सुन बात को भैया, ये बता जो वहां पे लाइन में लगा हुआ है बैंकों की एटीएमों की, उस लाइन में खड़ा हुआ आदमी वो ईमानदार है इसलिए वो लाइन में लगा हुआ है। लाइन में सदैव ईमानदारी लगता है। तेल की लाइन, बस की लाइन, बैंकों की लाइन, एटीएम की लाइन, हवाई जहाज की लाइन, राशन की लाइन, ये जितनी भी लाइन है ना, वो सब लाइनों में ईमानदारी लगता है। मंदिरों के अंदर जो लाइन लगती है वहां पर ईमानदारी लगता है। बेईमान आदमी हमेशा पिछला दरवाजा देखता है, वो लाइन में नहीं लगता है। जैसे तू लाइन में नहीं लगा, जैसे तेरी वो जादी दीदी वो लाइन में नहीं लगी, जैसे पप्पू लाइन में नहीं लगा, जैसे इटली वाली अम्मा तेरी वो लाइन में नहीं लगी, नीतीश कुमार लाइन में नहीं लगा, मायावती लाइन में नहीं लगी, मुलायम सिंह लाइन में नहीं लगा, ये जितने भी छोटे छोटे दल के वो कोई लाइन में नहीं लगा। तो बेईमान कभी भी लाइन में नहीं लगता है, ईमानदार लाइन में लगता है। जो तू भीड़ देख रहा बैंकों के बाहर, एटीएम के बाहर इतनी ज्यादा, वो भीड़ इसलिए देख रहा है क्योंकि अधिकतर जनता, हिंदुस्तान की, भारत की अधिकतर जनता वो ईमानदार है। 90 से 95% आदमी ईमानदार है, इसलिए वो लाइन में लगे हैं, अपनी मेहनत की कमाई ले जाकर वहां पे चेंज करवा रहे हैं, बदलवा रहे हैं, इसलिए वो लाइन में लगे। ये तो है तेरी लाइन वाली बात। दूसरी बात, तू कहता है कि मोदी सरकार ने नोट क्यों चेंज किए। भैया देख, विमुद्रीकरण तूने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा। चक्कर क्या है, मोदी सरकार ने अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है और तूने नहीं पढ़ा अर्थशास्त्र। तू IRS और ऑफिसर होने के बाद भी तूने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, मगर मोदी सरकार ने अर्थशास्त्र पढ़ा है। इसलिए उसने विमुद्रीकरण के तहत मुद्रा चेंज कर दी। विमुद्रीकरण जो है वो ये कहती है, जो कौटिल्य का टाइम पे, चाणक्य का टाइम पे, तब का लिखा हुआ है विमुद्रीकरण, आज का नहीं लिखा हुआ। वो ये कहती है कि जब काले धन की समस्या अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो उस देश को क्या करना चाहिए, अपनी मुद्रा को चेंज कर देना चाहिए, तब्दील कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो काले धन जिसके पास होगा वो उस मुद्रा को नई मुद्रा के साथ बदलने में घबराएगा, साहस नहीं करेगा। तो वो नहीं बदलेगा तो जो मुद्रा है जो उसके तकिए के नीचे लगी हुई वो बर्फ में जम जाएगी, मतलब सड़ जाएगी। जैसे तेरे तकिए के नीचे दबी हुई है तकलीफ, तेरे को तभी हो रही है। जैसे तेरे जितने भी
नेता है तेरे आसपास के जो तेरे सपोर्ट कर रहे हैं उनके तकियों के नीचे दबी हुई है, इसलिए उन तड़प रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वो क्योंकि उनकी मुद्राएं जो है वो सारी सड़ गई हैं। तो विमुद्रीकरण तो हमेशा करना चाहिए, हर 10 से 15 साल के अंदर होना चाहिए विमुद्रीकरण, जो कांग्रेस ने नहीं किया 60 साल, गलती करी उसने। करप्शन को अगर कंट्रोल में रखना है तो विमुद्रीकरण की नीति अपनानी पड़ेगी, हर 15 साल 20 साल के अंदर बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण अंग है करप्शन को रोकने के लिए, इसलिए विमुद्रीकरण बहुत जरूरी है। मोदी सरकार ने शुरुआत करी, इसलिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद इस चीज के लिए। तीसरा सवाल, तूने कहा कि 2000 का नोट से क्या करप्शन रुक जाएगा? भाई करप्शन तो तेरा बाप भी नहीं रोक सकता, करप्शन तो मानव उसके द्रव में, भगवान श्री कृष्ण करप्शन नहीं रोक पाए। लाक्षाग्रह करप्शन की पैदाइश थी, लाक्षाग्रह जो थी ना करप्शन की पैदावार थी, दुर्योधन ने करप्शन किया तो लाक्षाग्रह बना, नहीं तो लाक्षाग्रह बनता थोड़ी। भगवान श्री कृष्ण नहीं रोक पाए करप्शन, तो तू क्या और तेरी विषाद क्या? करप्शन रुकेगा नहीं, खत्म भी नहीं होगा, मगर करप्शन का इलाज समय समय पर करते रहना चाहिए। जैसे विमुद्रीकरण जो किया मोदी सरकार ने, यह हर समय करते रहना चाहिए। 2000 का नोट से अगर करप्शन बढ़ेगा तो एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं, 20 लाख करोड़ रुपया की बात कर रहे हो भैया, 20 लाख करोड़ का लगेगा 10 साल 20 साल 15 साल। तो मोदी सरकार जैसी कोई सरकार आएगी 20 साल 15 साल बाद, वो 2000 का नोट भी बंद कर देगी, इसमें क्या बात है? बड़ी बात, फिल्म के बर्फ लग जाएंगे, तुम जैसे लोग वो चिल्लाएंगे कि क्यों बंद कर दिया क्यों बंद कर दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। इससे फायदा कितना हुआ है विमुद्रीकरण करने से? विमुद्रीकरण करने से आतंकवादियों को जो पेमेंट थी वो खत्म हो गई, क्योंकि आतंकवादी को चेक से पेमेंट थोड़ी करा करते थे भाई साहब, यही नकली नोट जाया करते थे उनके जेब के अंदर, उनको चेक से पेमेंट करते थे क्या आतंकवादियों को? नहीं ना, उनको सबको नकली नोट दिया करते थे, वो पेमेंट बंद हो गई। कैसीनोज बंद हो गए, कैसीनोज बंद हो गए, जुए घर वो बंद हो गया, 100% टकसाले बंद हो चुकी हैं नकली नोटों की, जो मेरे को नहीं लगता आने वाले 10 साल के अंदर भी खुल पाएंगे दोबारा, बंद हो चुकी हैं बिल्कुल, तबाह और बर्बाद हो गई। जो ड्रग माफिया है उनको सबको कैश पेमेंट हुआ करती थी, चेक से थोड़ी करके पेमेंट हुआ करती, या तू करा करता था चेक से जाके उनको पेमेंट, ड्रग माफिया खत्म हो गया। जब ड्रग माफिया को पैसे नहीं मिलेंगे तो ड्रग नहीं आएगा, ड्रग नहीं आएगा तो नशाखोरी नहीं होगी, वो खत्म हो गया। तुम्हारा दाऊद इब्राहिम का पूरा धंधा चौपट हो गया हवाला का, हवाला का समझता है ना हवाला कैसे होता है, क्योंकि तू तो करता ही होगा ना भाई, तू वहां पे गया अभी खालिस्तान के लिए, तेरा गल्फ से आता है पैसा, तो हवाला का तो तुझे नॉलेज होगी पूरी हवाला की, हवाला होता कैसे। तो आगे बढ़े तो इस विमुद्रीकरण से देश के लिए आगे के लिए फायदा है, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद है भैया। ये क्षणिक जो परेशानी है ना, जो क्षणिक दो या दिन की, एक महीने की, डेढ़ महीने की जो परेशानी है, तो गिनवा रहा है, किसी की शादी रुक गई, किसी का हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया भैया जो बेमान था उसको हार्ट अटैक आ गया, मर गया, उसमें क्या गलत हो गया? बेमानी करेगा तो मरेगा ना। तो भैया ऐसा है, जो ये क्षणिक जो परेशानी तो गिना रहे ना कि एक महीने में ये हो गया और वो हो गया, ये मत गिना, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। हमारे बच्चे ड्रग फ्री हो जाएंगे, हमारे बच्चे आतंकवाद फ्री हो जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए भविष्य है। मोदी सरकार को नमन है इस बात के लिए जो उन्होंने ये कार्य किया। तू भ्रष्टाचार की बात करता है और भ्रष्टाचार को सपोर्ट करता है दिखता साहब, 4 साल तूने जो काला धन अपना जो कब्जा किया उसके लिए तू चिल्ला रहा है, सीधी सी बात ये है और कुछ नहीं है। मोदी सरकार ने जो किया बिल्कुल ठीक किया और इसका हम पूरा समर्थन करते हैं, और जो 90% 95% जनता जो बैंक के बाहर खड़ी है और एटीएम के बाहर खड़ी है वो सपोर्ट करती है। अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो बैंक के बाहर नहीं खड़ी होती, पार्लियामेंट के बाहर खड़ी होती। वो सपोर्ट करती है इसलिए वो बैंक और एटीएम के बाहर खड़ी है, नहीं तो वो धरना प्रदर्शन करती कहां पे? जंतर मंतर पे कि नहीं बंद करो, मगर वो बैंक के बाहर खड़ी है। तो इसका मतलब वो सारी जनता, वो जितनी भी जनता है, वो परेशानी उठाकर देश के साथ है, इसलिए वो बैंकों को बाहर खड़ी है, नहीं तो पार्लियामेंट के बाहर खड़ी होती, जंतर मंतर पर धरना दे रही होती, मगर ऐसा नहीं कर रही है जनता। जनता क्या कर रही है? जनता अपने खून पसीने की कमाई, अपनी ईमानदारी की कमाई बैंकों में जाके बदल रही है, एटीएम में जाके बदल रही है। इसलिए
इसलिए अपने ढक्कनों को बरगला, हम राष्ट्रवादी को नहीं बरगला सकता है तू। देश का हर नागरिक राष्ट्रवादी है, तेरे 1% 2% ढक्कन की वजह से देश नहीं चल रहा है। इसलिए इसलिए अपनी खांसी का इलाज तूने कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू देश का इलाज भी करना जानता होगा। तेरे जैसा धूर्त नेता नहीं है पूरे भारत के अंदर। इसलिए नमस्कार, भारत माता की जय।